कुर्ती का काम करते हुए कैसे पैसे कमाने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिजनेस सेटअप करना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स भी आए कि किन लोगों को कुर्ती का काम नहीं करना चाहिए, किस वजह से घाटा हो सकता है आप लोगों को और क्या क्या बातें आपको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और नहीं जाननी चाहिए। तो आप ही लोगों का एक कमेंट मैं ले रही हूँ इस वीडियो के अंदर कि कुर्ती का काम करते हुए क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए और किस वजह से आपको घाटा हो सकता है और किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये सवाल मेरे पास आया था, ये आसिफ अहमद जी का सवाल है। थैंक यू आसिफ जी, आपके ये जो आपने कमेंट दिया है वीडियो के ऊपर, ये एक वीडियो था पैसा कमाने के लिए कुर्ती का काम ऐसे करें। ये वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, कैसे मैंने कुर्ती का काम किया, किस तरीके से काम कर सकते हो, छोटे से भी काम स्टार्ट कर सकते हो और काम को करते हुए आगे बढ़ा सकते हो। तो आसिफ जी ने कहा है, भाई कुर्ती का काम करना बच्चों का काम नहीं है, अगर आपके पास तजुर्बा है सिलाई का या कटिंग का या मास्टरी का तो आप कामयाब हो पाएंगे, वरना नहीं। ऐसे इस काम में हाथ मत डालना, वरना हाथ में कुछ नहीं आएगा सिर्फ घाटे के सिवा। चाहे कितने भी YouTube चैनल देख लो, किसी को भी देख लो, वह कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो भैया कहने वाले कहते रहते हैं और जो करते हैं वही जानते हैं। पहले तो आपको यूनिट लगाना पड़ेगा, इसके लिए मशीनों के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, फिर आप कपड़ा खरीदोगे, कोई भी कलर का एक साथ खरीदोगे, कम से कम 100 मीटर का होता है, एक खाना 65 पीस निकलते हैं, फिर आप उन्हें भेजोगे कहाँ, फिर एक कलर से काम नहीं होता, कम से कम 4 कलर लेने पड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है। अगर बहुत ज्यादा पैसा है, 10-15 लाख लगा सकते हो, तो आप इस काम में हाथ डालो। और सबसे पहली बात, आपको तजुर्बा होना बहुत जरूरी है, अगर तजुर्बा नहीं है तो चुपचाप रहो। थैंक यू आसिफ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस आपने समय निकाला और इस चैनल के ऊपर अपने व्यूज शेयर किए, ये बहुत ही अच्छे व्यूज हैं जो आपने शेयर किए और ये काफी लोगों को एक इनसाइट्स, एक मतलब एक नजरिया देंगे काम को काम की तरह से देखने के लिए। अब मैं बताती हूँ, जो आपने एक बात बोली कि कहने वाले कहते रहेंगे, हाँ ऐसी बात है कि कहने वाले कहते हैं और बिना किसी को नॉलेज नहीं होती, तजुर्बा नहीं होता, फिर भी कहते हैं, तो आप उनकी बात समझते हैं, सुनते हैं। क्या बात आपको क्या पल्ले पड़ती है, आप उसमें से कौन सी एक टिप ले सकते हो, क्या काम कर सकते हो, आपको ये समझना है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैंने तकरीबन 2011 के करीब 2012 में 11-12 में मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था और तब मैंने बुटीक किया था और बुटीक के साथ साथ मतलब रेडीमेड का भी काम किया था और ये कुर्ती का बिजनेस भी किया था कि कुर्तियां बना बना करके भी रेडीमेड बेची थी, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है कि मैं अपने तजुर्बे से आपके साथ शेयर कर पाई कि मेरा क्या तजुर्बा था और उसके हिसाब से किस तरीके से मैंने काम किया। आसिफ जी सही बात कह रहे हैं कि तजुर्बा होना जरूरी है, लेकिन तजुर्बा आता कैसे, जब तक आप काम नहीं करेंगे तो तजर्बा आएगा कैसे। कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला। अगर आप कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ ट्राई ही नहीं किया, कभी कुछ करने की सोची ही नहीं, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रहे, तो ऑफकोर्स घाटा भी नहीं होगा और मुनाफा भी नहीं होगा। तो खोने के लिए तो देखिए आपके पास कुछ है नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो 15-20 लाख अगर आपके पास नहीं भी है तो भी
बजाय आंसू बहाते रहने के और दुखी होने के कि मेरे पास काम नहीं है, या दूसरों के आगे काम के लिए गिड़गिड़ाने के लिए, आप काम के लिए कोशिश भी कीजिए इधर उधर, लेकिन अपने काम को भी जमाने की कोशिश कीजिए। जैसे घर में ही काफी सारी महिलाएं हैं, ये वीडियो क्यों बनाया, घर में ही काफी महिलाएं हैं, खुद कुर्तियां बनाती हैं, कोई ड्रेस बनाना चाहती हैं, तो उनको बेशक से वो थान के थान नहीं बना सकती, कुछ पीसेस ही हैं, लेकिन उन कुछ पीसेस को लेकर के ही वो अपने छोटे से बिजनेस को ही, चाहे वो लोकल डायरेक्टरीज के माध्यम से है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से है, वो शुरुआत कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, और आजकल की डेट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 15-20 लाख से ही काम शुरू करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, और इसी चैनल पे मैंने सिलाई से कमाई कैसे कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जहां अलग अलग तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे आप पैसे कमा सकते हो, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, या फिर अमेजोन है, मीशो है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कम क्वांटिटी, यानी कि आपने 5, 7, 10 सूट्स भी बनाए हैं, खुद के लिए भी बनाने के लिए, पहनने के लिए बनाए हैं, तो आप अगर प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हो तो आप कम प्रोडक्शन में भी आप आज की डेट में काम कर सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि आप फोकस लेकर के चलें, और जरूरी नहीं कि आप थान के थान लेकर के चलो, वो भी एक मॉडल है काम करने का, लेकिन आप देखेंगे कि एक वो टेलर भी होता है जो कि आपकी लोकल मार्केट में अपनी मशीन लेके बैठा है, दूसरा वो टेलर भी होता है जिसने अपनी गैरेज से एक बुटीक लेकर के शुरू किया है, तीसरा वो भी होता है जिसने अपने घर के एक कोने से ही शुरू कर रहा है अपना सिलाई का बिजनेस, फिर वो भी होता है जो कि मार्केट के अंदर एक दुकान किराए पर लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, और फिर ऐसे ऐसे बिजनेस भी होते हैं कुर्ती के जो कि मॉल लेकर के, पूरा एक उन्होंने मॉल लिया है और उसको ब्रांडिंग करके प्रॉपर उसको काम कर रहे हैं। तो आप छोटे हर लेवल का, और हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में तो बेस्ट चीज यही है कि 130 करोड़ लोग हैं, और कपड़े का काम ऐसा है जो कि कभी फेल नहीं हो सकता, तो 130 करोड़ लोग सारे के सारे आपके 15-20 लाख के बिजनेस को ही आप शुरू करो तभी आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है। आप कम से भी, छोटे से भी, जहां हो जैसे हो, वहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, शुरुआत करेंगे तभी तजुर्बा होगा और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आसिफ अहमद जी की बात से मैं वास्ता रखती हूँ कि तजुर्बा होना जरूरी है, उन्होंने जो बातें बोली वो भी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप एक शुरुआत करें और शुरुआत को सीखते जाएं, क्योंकि कोई काम आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, कोई काम को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा फायदा ही होगा हमें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा नुकसान ही होगा, करने के बाद ही आपको काम पता चल जाता है, तो आप छोटे लेवल से शुरू करें, जैसे इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक दो प्रोडक्ट से ही शुरू करें, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शुरुआत ना करें, और कम से शुरुआत करें, अपनी ब्रांडिंग बनाएं, अथॉरिटी बनाएं, और इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर कुछ कोर्सेज भी कराए थे, लाइव कोर्सेज कराए थे, इन फ्यूचर करवाऊंगी तो फिर ऑफकोर्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप पहले अपनी स्किल बढ़ाइए, जानिए समझिए, और उसके बाद आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो भी काम करें, कुर्ती का बिजनेस करें, उसके अंदर आप तरक्की करें। इस बारे में, अपना काम शुरू करने के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर, मैं आप लोगों की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।